दिया था। सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है, 24 तारीख को हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करना है। ये बेरोजगारों का अधिकारों की, उनके आंखों की, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस प्रकार प्रदेश में मंत्री और अधिकारी तानाशाही कर रहे, लापरवाही कर रहे, आज बेरोजगार परेशान है। 2013 से लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही, फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी डिग्रियों से लोग नौकरी लग रहे हैं। लगातार हमने प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हमने दुखी होकर, परेशान होकर दिल्ली कूच करने की घोषणा की है, और अब एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं। ये कोरोना काल है और हजारों की संख्या में बेरोजगार दिल्ली जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अनहोनी हो सकती है, और जो प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। आपसे निवेदन है, जिस प्रकार हर आंदोलन में आप कहते हो कि वार्ता के द्वार खुले, आप वार्ता करके समस्याओं को निस्तारण कर रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगारों की समस्याओं को सुनते हुए और उनकी समस्याओं को निस्तारण करते हुए एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी होने का उदाहरण आप पेश करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है दिल्ली जाना, क्योंकि लगातार तानाशाही इनकी बढ़ती जा रही है। आखिरकार बेरोजगार करे तो क्या करे। इसके अलावा मेरे तमाम वो बेरोजगार साथी, उनसे मेरा निवेदन है कि कल शाम तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, आपको स्थान और समय आपको बता दिया जाएगा। आप जो टीम के जो लीडर बने, अलग अलग टीम बने, उनको लीडर को सूचना दे दी जाएगी कितने बजे कहां पहुंचना, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। विशेषकर हमें ध्यान रखना है सोशल डिस्टेंस का, विशेषकर ध्यान रखना है हर व्यक्ति के पास मास्क होना चाहिए, इसके अलावा हर व्यक्ति के पास सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए, सार्वजनिक जगह थूकना नहीं है। सोशल डिस्टेंस के साथ हमें कोविड-19 के हर चीज की पालना करनी है, क्योंकि हम सब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो एक इस कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन हम सबको इन सब की पालना करनी है, क्योंकि नेता रैलियां निकाल रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए नियम लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इस कोरोना काल में हम दिल्ली पहुंचेंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, समय स्थान आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारी मजबूरी है दिल्ली जाना, क्योंकि हमारी नहीं